I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got असलम उम्मीद आप सब हैरित से होंगे। तो अभी सुबह के 7:30 बजे और आज हम लोग जा रहे हैं हज़ारा मोटर्स और शान X7 का जो फर्स्ट ऑयल चेंज है वो कराना है, क्योंकि हज़ारा मोटर्स हमने निकलवाई है यहाँ से। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है तो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। मामू का वेट कर रहा हूँ, वो मुझे पिक करने आ रहे हैं। डेट सेट, मुझे लगता है वो लोग आ गए। तो ये लोग पहुँच गए, अब जस्ट नीचे चलूँ और निकलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ने मैट्स भी डले में। इधर तो पांव रखने का भी दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा जूते उतार के। ये अब गाड़ी जनाब हमारी इस डेक पे चढ़ने लगी है। अब इसके देखते हैं रेगुलर मेंटेनेंस जो है उसमें क्या कुछ करते हैं, तो क्या इनकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि इन्होंने ना सीट्स पे पहले प्रॉपर अपने कवर्स चढ़ाए हैं ताकि सीट्स वगैरह मैली ना हो। ऑल दो इसका कलर भी थोड़ा सा इस तरह का है, वो आपको सीट्स कवर्स भी अभी दिखाता हूँ। आप देखें कि ये इन्होंने सीट्स पे जो है ना ये अपना ये कवर चढ़ाया है ताकि हमारी सीट्स ख़राब ना हो। ये जी इसका जो प्लास्टिक है वो रिमूव किया है इन्होंने। ये इसका टर्बो चार्ज इंजन 1500 cc। अच्छा, कि सेकंड ट्यूनिंग कब होती है? तो अभी 1000 वाला है ना सेकंड सर्विस, इसकी 5000 रुपये होगी। अच्छा, 5000 रुपये होगी। तो अभी जो आप करेंगे वो भी 5000 रुपये भी सेम वही रिपीट होता है? 5000 रुपये इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। अभी ऑयल चेंज नहीं होगा? इंजन ऑयल अभी नहीं चेंज होगा। अच्छा, इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, नहीं वो मेरे ख्याल से हमें ऑयल का नहीं, ऑयल का मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि ऑयल भी चेंज करना है आपका। 3 महीने हो गए हैं वैसे इसको। आपके अभी किस को लिए हो, कितना सो गया? 3 महीने हो गए ना। फिर आप ये होता है ना उसका टाइम ड्यूरेशन होता है ऑयल का, ऑयल का 3 महीने, फर्स्ट ऑयल 3 महीने और जो दूसरा वो 6 महीने होगा। फर्स्ट ऑयल इसका या किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर देखे होते हैं या टाइम पीरियड। अभी इसका टाइम मेरे ख्याल से ऑयल का पूरा हो गया। किलोमीटर तो 500 कुछ चली हुई है लेकिन 3 महीने हो गए। गाड़ी लिफ्ट हो गई है और यहाँ से आप इसके जो है जो शील्ड है इंजन शील्ड वो रिमूव होगी और फिर इसका इंजन। नीचे से आपको इसका नीचे से इस तरह का इसका व्यू है। ड्यूल एग्जॉस्ट यहाँ पे इन्होंने एक ही गांव किया। ZW20 फुली सिंथेटिक। सर ये हमें थोड़ा समझाना है आपने कि इसका मकसद क्या है और ये आप मतलब क्यों करते हैं हर दफा। अभी लाइट आ रही है कोई गाड़ी की? लाइट नहीं, चेक लाइट नहीं आ रही। ये हम चेक करते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आया हुआ, बस टाइम पे लाइट शो नहीं हो रही है। तो जो इसके अंदर अपना डायग्नोस्टिक है उसमें और इसमें क्या आपको फर्क नजर आता है? जो वो आपको अपना इलेक्ट्रिकली नहीं बताता है, अपना सेंसर वगैरह के बारे में नहीं। ठीक है, वो मतलब जनरल थोड़ा बहुत बताता है, जो डिटेल में आपको ये वाला। ठीक है, सीन ये है कि सबसे पहले तो गाड़ी का जो काम हुआ है वो हुआ है, प्लग्स इसके साफ हुए हैं। सेकंड नंबर पे एयर फिल्टर को उन्होंने हवा वगैरह लगाई है, कूलेंट वगैरह चेक किया है। फिर इसका जो नीचे जो कुछ नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं जो जनरली जनरल चेकअप के तौर पे ज़रूरी होते हैं वो हुआ है। उसके बाद इंजन ऑयल चेंज हुआ है। अभी उसका बिल नहीं आया, बिल आया तो फिर मैं आपको उसका एग्जैक्ट बताता हूँ। और आप ये कैबिन फिल्टर भी हमने कहा यार उसे भी थोड़ा साफ़ कर दो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, माशाल्लाह अच्छा इनका सेटअप है, चाय वगैरह भी पिया हमने। बिल बन जाए तो बिल देखते हैं, बट मेरा जो माइंड है मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो इसमें 4.1 लीटर का पड़ता है फुल ऑयल, मतलब पूरा बॉटल इसकी आती ही पैकिंग में 4.1 लीटर की है,
मुझे ऐसा लगता है वो कॉस्ट करेगा अराउंड 6,000-7,000 का कॉस्ट करेगा, क्योंकि 0W20 ग्रेड का ऑयल पड़ता है, फुली सिंथेटिक, उसका रेट ही होना चाहिए। अभी एग्जैक्ट रेट आएगा तो फिर हमें पता लगेगा। तो हम लोगों ने ऑयल गाड़ी का चेंज करा लिया है, और मामू जान कितना आया खर्चा इस पे और क्या? ये असल में जी चंगान का लेबल था ऑयल के ऊपर, तो इन्होंने चार्ज किया 5,910 रुपये उसके थे ऑयल के, सिर्फ ऑयल, सिर्फ ऑयल, ठीक। और 1900 रुपये का इसका फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, तो टोटल 7,800 ये इस पे कॉस्ट आई है। मेरा से ऑयल तो उन्होंने 0W20 फुली सिंथेटिक डाला है, फुली फुली सिंथेटिक। वैसे ऑयल मेरा से थोड़ा मुनासिब रेट है, मैंने जो एस्टीमेट मेरे माइंड में था 6,500-7,000 का ऑयल होना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये बड़ा मुनासिब उस लिहाज से मुनासिब रेट था, अलबत्ता सिर्फ ये ऑयल फिल्टरिंग का थोड़ा सा महंगा होता है, अदरवाइज बाकी कंपनीज का भी यही सूरत हाल है, टोयोटा सुजुकी वगैरह उनका भी महंगा ही होता है, लेकिन ये जरा ज्यादा प्राइसिस की है उनसे। तो मीन वाइल ये है कि उस लिहाज से मुनासिब ही है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब हाँ जो है। और साथ हमारी मेंटेनेंस तो वैसे भी फ्री थी, मेंटेनेंस फ्री थी, लेबर फ्री, ऑयल की लेबर भी शायद वो इंक्लूड करते हैं। हाँ, यकीनन बिल्कुल, ये तीन इसकी जो ऑयल चेंज है वो फ्री लेबर है इसमें, तीन ऑयल चेंज फ्री है, मतलब से लेबर फ्री है बाकी वो चेकअप वगैरह सारा गाड़ी का वो भी फ्री, मतलब चेकअप होगा। सही। तो ये थी वीडियो आज की, इसका हमने फर्स्ट जो है मेंटेनेंस कराई है, जो 1,000 किलोमीटर्स पे होती है, बट हमारा 3 महीने का पीरियड पहले आ गया था, तो हमने इस पर कराई, 550 चली हुई थी टोटल गाड़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ आप भी इतने में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।